डोंगरगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 8 में पार्षद अलका जय सहारे की अनुशंसा पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं विश्वकर्मा मूर्ति का लोकार्पण एवं स्थापना का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन भुवनेश्वर शोभा राम बघेल अध्यक्षता, नवाज खान जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि सुदेश मिश्राम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा, पार्षद अलका जय सहारे के उपस्थिति में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना पूजा अर्चना कर की गई। वहीं इस शुभ अवसर पर 10 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्य RCC रोड एवं CC रोड नाली निर्माण आहता निर्माण सौंदर्यकरण की सौगात मिली। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वार्डवासी जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस संबंध में जब वार्ड पार्षद अलका जय सहारे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, आज लोकार्पण जो कार्यक्रम उसके संबंध में जानकारी देंगे। आज इन वार्डों में 2-3 कार्यों का लोकार्पण हुआ और आज मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों को सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सतत विकास के लिए प्रयास में हम लोग सब लगे हुए हैं। हमारे चाहे पार्षद जी हो, चाहे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी हो, और हम लोग सब मिलकर डोंगरगढ़ के विकास के लिए हम लोग सब लगे हुए हैं। आज पुनः मैं सभी को ये भूमि पूजन की और लोकार्पण की बधाई देता हूँ। आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर हमारे वार्ड क्रमांक 8 में कुछ लोकार्पण किए गए हैं और भूमि पूजन किए गए हैं, जिसमें से विश्वकर्मा मंच का जो था वो हुआ है संपन्न। और उसी अवसर पर वार्डवासियों की जो हम लोगों से पूर्व में मांग थी, 20 वर्षों से जो मांग चल रही थी, गणेश मंच आहत निर्माण सौंदर्यीकरण कार्य जो 3,70,000 का था, छिरपानी शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण 5 लाख रुपये का, राजीव नगर में सामुदायिक भवन संधारण कार्य 2,03,000 का, जो कि माननीय भुवनेश्वर बघेल जी से हम लोगों की मांग थी और नवाज भैया से भी मांग थी, वो आज विगत कई वर्षों के बाद पूर्व हुई है, जिसमें RCC नाली निर्माण कार्य के लिए लागत 30,31,000, इंटरलॉकिंग कार्य 20,17,000 और CC रोड निर्माण 29,70,000 का, और एक हाई मास्क जो कि प्रज्ञागिरी में हम लोगों के द्वारा लगाया गया है, प्रज्ञागिरी परिसर में दो नग हाई मास्क लगेंगे जिनकी लागत 15,35,000 रुपये है। और उसके बाद भी वार्डवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय भुवनेश्वर बघेल जी और नवाज भाई के द्वारा हमारे वार्डवासियों को दी गई है, BR अंबेडकर सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन जो हमारे वार्ड में बनने जा रहा है, जिसकी सौगात अब कुछ ही दिनों बाद 1 महीने या 2 महीने के बाद से कार्य उसका प्रारंभ हो जाएगा। कितने की लागत से बनेगी? ये 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और सभी सर्व समाज के लिए काम आएगा ये। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? सभी वार्डवासियों को विश्वकर्मा जयंती और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने बताया